नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में। ये एक नया मुद्दा है, ऐसा मुद्दा जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। आजकल चारों तरफ चर्चा चल रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। लोगों का कहना है कि मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हुआ वो बहुत ही खराब हुआ, वाकई वो बहुत खराब था। लेकिन मणिपुर की महिलाओं के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, पूरे देश की महिलाएं भी किसी ना किसी रूप में असुरक्षित हैं। कुछ आंकड़ों की बात करें, जो आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए हैं, तो उसमें पाया गया कि 13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं पिछले 2 वर्षों में लापता हुई हैं। ये आंकड़े हैं 2019 से 2021 के बीच में। संसद में केंद्रीय मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए और 19 से 21 के बीच में 18 साल से अधिक उम्र की महिलाएं और उससे कम उम्र की लड़कियों के लापता होने की बात बताई गई। महिलाओं की संख्या जहां 11 लाख के करीब है, 10,61,648, वहीं लड़कियों की संख्या जो अभी उम्र में छोटी है 2.5 लाख के आसपास है। और क्योंकि ये आंकड़े संसद के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं तो आपको इस पे यकीन करना ही होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की स्थिति सबसे खराब है। वहां पर महिलाओं और लड़कियों के लापता होने संबंधी सबसे ज्यादा घटनाएं घटित हुई हैं। जम्मू कश्मीर, हर देश के कोने कोने से आंकड़े इकट्ठा किए गए, उत्तर में जम्मू कश्मीर तो दक्षिण में तमिलनाडु से भी आंकड़े आए, केरला से भी आंकड़े आए। एक केवल मूवी देख लेने से एक स्टेट में लड़कियों की महिलाओं की स्थिति खराब हम अगर अंदाजा लगा लेते हैं तो वो अपूर्ण जानकारी होती है। मणिपुर में हिंसा भड़की, मणिपुर में महिलाओं के साथ बहुत बुरा हुआ तो हम जागरूक हुए, लेकिन हमारे आसपास ही महिलाओं और लड़कियों के साथ ऐसा होता रहता है। ये वे मामले हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस के पास पहुंचे हैं लोग उनको खोजने के लिए, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन सारे मामले पुलिस के संज्ञान में नहीं आते हैं। जब हमारे यहां कोई केस होता है, चाहे वो महिलाओं के साथ यौनाचार हो, चाहे कोई दुर्व्यवहार हो, चाहे वो रेप की घटना हो या कोई अन्य, तो हम उस समय जागरूक हो जाते हैं। जब हमारे यहां निर्भया केस हुआ तो उस समय हम जागरूक हुए और हम महिला सुरक्षा से संबंधित कानून की गुहार लगाने लगे और सरकार ने भी वैसा किया। लेकिन ये आंकड़े अलग बातें बयां करते हैं। ये वही आंकड़े हैं जिनके अंतर्गत 13 लाख से अधिक महिलाएं लापता हुई हैं। सबसे शीर्ष पे रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या 1,60,180 और लड़कियों की संख्या 38,234। महिलाएं वे हैं जो 18 प्लस हैं और लड़कियां वे हैं जो 18 से अभी कम उम्र की हैं। और दूसरे पायदान पे रहा है पश्चिम बंगाल, तीसरे पे महाराष्ट्र, फिर ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये लड़कियां कहां गई, किस स्थिति में है, इनके साथ क्या हो रहा है, ये कोई नहीं जानता। रिपोर्ट लिखाई गई है तो आंकड़े आपके सामने आ गए हैं। क्या अभी भी वो समय है जब महिलाओं के साथ ऐसा होता रहे, लोग सहन करते रहे? ये तथ्य क्या कहते हैं? ये तथ्य यही बताते हैं कि हमारे यहां स्थिति सही नहीं है, आधी आबादी संकट में है। 2 साल के ये आंकड़े हैं, कोई दशक के आंकड़े नहीं है। और आंकड़े इतने बड़े हैं, 13 लाख की संख्या बहुत ज्यादा होती है। 2-3 सालों में 13 लाख से अधिक लड़कियों और महिलाओं का गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। और इसमें लड़कियों की बात की जाए तो नाबालिग लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। तो ये मुद्दा आ जाता है कि हमारे देश में नारी सुरक्षा का मामला बहुत ही गंभीर है। सही स्थिति में हम नहीं हैं। कहीं अपहरण होता है, कहीं बहला फुसलाकर, कहीं किसी अन्य प्रकार से, कहीं प्रसादी करके धोखा दे दिया जाना, सब कुछ इसमें शामिल है। लापता लड़कियां और महिलाएं ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं गिनी गई हैं, क्योंकि एनसीआरबी की ये रिपोर्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं इस पे सोचना लाजमी हो जाता है। और ये गायब होके गई कहां? यहीं पर बात समाप्त नहीं हो जाती है कि वो गायब हो गई और हमने गिन लिया। ये गई कहां और गई तो इनके साथ क्या हो रहा है, क्या इसका पता हम लगा पाते हैं? हम समाचारों में पढ़ते हैं, फुटकर घटनाएं पढ़ते हैं अपने आसपास की, अपने जिले की, अपने शहर की, और वही घटनाएं जब इकट्ठा होती हैं तो इतनी बड़ी संख्या हो जाती है, तो इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। आधी आबादी है,
कहा जाता है हमारे यहाँ कि एक रथ के दो पहिए होते हैं, पुरुष और स्त्री, और उसमें से ये आबादी अगर इस तरीके से खतरे में है, अगर कन्या भ्रूण हत्या से बचकर उसने जन्म ले लिया है और उसके बाद उनको विभिन्न गतिविधियों के तहत, तस्करी के तहत, वैश्यावृत्ति के तहत लिप्त कर दिया जाता है, तो ये कितनी बुरी बात है। और दूसरी बात, दूसरा पहलू ये भी है कि जो महिलाएं शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं, उनमें से भी बहुत बड़ी संख्या है जो लगातार प्रताड़ित की जाती हैं। घरेलू हिंसा कोई नई बात नहीं है। दिल्ली का केस हुआ तो हमने तुरंत एक्शन लिया, हम तुरंत विरोध में आ गए, लेकिन क्या उतने से काम बनने वाला है? हमारे यहां महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कोई कमी आई क्या उस एक्शन से? आंकड़ों की माने तो यह संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे छेड़छाड़ की घटनाएं हो, चाहे अपहरण की घटनाएं हो, चाहे दुष्कर्म के मामले हो, हर तरीके से घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और उसी का नतीजा है कि आज इतनी संख्या में, ये तो 5 स्टेट का केवल आंकड़ा है, इतनी ज्यादा संख्या में महिलाएं गायब हो रही हैं। सरकार प्रयास करती है, सरकारी प्रयास होते हैं, लेकिन सामाजिक प्रयास भी जरूरी है, सामाजिक जागरूकता जरूरी है। जब तक संवेदनशीलता नहीं होगी महिलाओं को लेकर हमारे मन में, तब तक उनकी सुरक्षा का दावा हम नहीं कर सकते। और रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया कि पूरी दुनिया, केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया में हर तीसरी महिला कहीं ना कहीं यौनाचार का शिकार होती है, कहीं ना कहीं उसका यौन शोषण होता है, और ये करने वाले ज्यादातर उसके परिवारजन, रिश्तेदार या करीबी होते हैं। हमारा देश वो देश है जहां पर नारियों की पूजने की बात होती है, ये वो देश है जहां पर नारियों को देवी माना जाता है, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं रही है। और एक बात यह भी है कि ये घटनाएं नई नहीं है, ये तो महज आंकड़े हैं, वास्तव में ऐसा होता रहा है पहले से भी, लेकिन अब वो समय आ गया है जब हम रोटी कपड़ा मकान के अलावा इन सब बातों पर भी ध्यान दें, इसके बारे में भी सोचें, और अपने भारतीय समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हम महिलाओं की अगर इज्जत नहीं बचा सकते, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको नहीं रोक सकते, तो हमारे जीवन का कोई विशेष मतलब नहीं है। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में और बात करते हैं ऐसी ही किसी अन्य सामाजिक घटना पे या मुद्दे पे। थैंक यू सो मच।